Metamorphosis. So what is metamorphosis? Metamorphosis is a marked changes of form which occur when insect become adult. तो जो इंसेक्ट होता है वो जब जैसे जैसे एडल्ट बनता है तो उसमें कुछ विजिबल चेंजेस आते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हम डिस्टिंग कर सकते हैं कि ये उसका जो है लार्वल स्टेज है और ये जो है एडल्ट स्टेज है. तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. सो उसमें से एक होता है होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट, होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट, और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसमें मेटाबोलोसिस कम्प्लीटली होता है. तो इस टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें उसका जो लार्वल स्टेज होता है और जो अडल्ट स्टेज होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. लार्वी और अडल्ट बिल्कुल भी एक दूसरे को रिसेम्बल नहीं करते हैं. तो इस वजह से उसको बोलते हैं कम्प्लीट डेवलपमेंट, कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. इन दिस टाइप इट इंक्लूड फोर डेवलपमेंटल स्टेजेस. सो द फर्स्ट वन इज एग, फिर उसके बाद लावा, देन प्यूपा एंड फाइनली अडल्ट. सो द लावा विच हैचेस फ्रॉम एग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट इन बोथ मॉर्फोलॉजी एज वेल एज हैबिट. तो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो एक्सटर्नल फॉर्म होता है वो भी अलग होता है, और हैबिट जो होती है लाइक फीडिंग हैबिट जो होती है वो भी एडल्ट से डिफरेंट होती है. अब जो लावी जो होती है वो किस पे फीड करती है, लीव्स पे फीड करती है, एंड जो एडल्ट होता है वो फ्लावर पे फीड करता है. तो फीडिंग हैबिट भी उनका अलग होता है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी अलग होता है. फिर उसके बाद होता है प्यूपा, एंड फाइनली प्यूपा के बाद जो होता है वो होता है एडल्ट स्टेज. सो अगर हम लार्वल स्टेज की बात करें तो लावा में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. लावी के जो माउथ पार्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, एंड जो अडल्ट होता है उसके माउथ पार्ट डिफरेंट होते हैं. एडल्ट के जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो सिफोनिंग टाइप के होते हैं, और लावा में ऐसे माउथ पार्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो माउथ पार्ट्स में भी डिफरेंस होता है दोनों के. उसके बाद लावा जो होता है वो विंगलेस होता है, उसमें विंग नहीं होते, बट जो एडल्ट फॉर्म होता है उसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं. लार्वा में कंपाउंड आईज भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. तो लार्वल स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है प्यूपा. तो प्यूपेशन में लास्ट फॉर वीक, फॉर मंथ्स और इवन ईयर डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड द स्पीसीज. तो हर अलग स्पीसीज में उसका ड्यूरेशन अलग होता है. जैसे कि जो मोनाश बटरफ्लाई होते हैं उनमें जो प्यूपेशन का ड्यूरेशन होता है वो 8 to 15 days तक होता है. तो जो इंसेक्ट होता है वो 8 to 15 days के लिए उस प्यूपा के अंदर होता है. देन आफ्टर दैट इंसेक्ट इमर्ज फ्रॉम द प्यूपा बाय स्प्लिटिंग द प्यूपल केस. तो यूजुअली ये जो स्प्लिटिंग होता है, इमर्जेंस होता है, वो मॉर्निंग में होता है. तो फिर फाइनली प्यूपा के बाहर जो इंसेक्ट होता है वो होता है एडल्ट फॉर्म. The होलो मेटाबोलस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज फाउंड इन लेपिडोप्टेरा. सो लेपिडोप्टेरा क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि 4 लार्ज स्केल विंग्स होते हैं, इस वजह से उस ऑर्डर को बोलते हैं लेपिडोप्टेरा. उसमें बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स आते हैं. फिर जो डिप्टेरन्स होते हैं, हाउस फ्लाई, उनमें भी ऐसे टाइप की मेटामॉर्फोसिस होती है. और ये जो पूरी डेवलपमेंट होती है, मेटामॉर्फोसिस होता है, उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, वो हार्मोन होता है प्रोथोरैसिकोट्रॉपिक हार्मोन. सो दिस इज अ होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट और अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस.